जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 13.3 और टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। दिस इज डॉक्टर सैयद कलीम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। जैसे ही ये पिक्चर शो की गई है, इसमें है डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। इसमें दिस इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ नॉर्मल उसकी पिक्चर है। जैसे उसके हाथ में बॉल है, तो आप ये वाला मसल दिखाया गया, ये बाइसेप्स है, और जो पीछे वाला है वो है ट्राइसेप्स। तो अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ ये समझें कि जब ये इस काइंड ऑफ न्यूट्रल, ओके, और जब ये बॉल यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अगर ऐसे करेंगे तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी इसको हम स्टडी करेंगे, और आपने चूँकि पढ़ लिया है तो आपका नॉलेज भी चेक करते हैं कि आपने क्या अभी तक पढ़ा है। सो क्वेश्चन नंबर वन, द एंड of a skeleton muscle that is always attached to an immovable bone is called what? Insertion, origin, flexion, extension. Muscle ka wo hissa jo ki ek movable bone ke sath attach hota hai, usko kya kehte hain? That's correct, origin. इसमें बच्चे ये समझने की कोशिश करें कि जैसे कि ये एक आम दिखाया गया ना, आम है, फोर आर्म है, आम है, ये बोन है, ये क्या है, ह्यूमरस, और ये है रेडियस अल्ना। सो बेसिकली जहाँ से मसल शुरू होता है उसको कहते हैं ओरिजिन, जहाँ पे जाके लगता है टेंडन के जरिए, क्योंकि मसल बारीक होकर टेंडन बन जाता है ना, और बोन के साथ लगता है, उसको कहते हैं इंसर्शन। तो इसमें ये है कि दो बोन है ना, तो ये बोन बेसिकली, अगर ये मैं हाथ को ऐसे या ऐसे करूँगा, तो बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ इमूवेबल बोन बनी, और दूसरी जो मूव हो रही है इसके रिलेटिवली बनी, तो इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन। सो वन एंड ऑफ ए स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच टू एन इमूवेबल बोन, उसको ओरिजिन करेंगे, एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ मूवेबल बोन दैट इज इंसर्शन। गॉट इट, नाइस, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर टू, इफ वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अदर मसल रिलैक्सेस, व्हाट वुड दिस बी? एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा रिलैक्स हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या एंटागोनिज्म? दैट्स राइट, इसको कहते हैं एंटागोनिज्म। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि मसल अपोजिट काम कर रहे हैं। सो स्केलेटल मसल्स आर यूजली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट, the muscles perform opposite jobs when one muscle contracts the other relaxes. उसकी example दिखाई गई है, जैसे ये फॉर्म है, फॉर्म में जैसे ये बताया कि ये क्या है, biceps है, biceps, और ये triceps। अगर क्योंकि ये जो मसल है ये यहाँ पे अटैच इस बोन के साथ, ये इसको ऐसे खींचता है, तो ये biceps ने contract किया तो आपकी elbow joint पे elbow flex होगी, ठीक है, और जब नीचे वाला मसल है वो इस वक्त रिलैक्स है। अब इस मसल का क्या काम है, जिसको ट्राइसेप्स कहते हैं, ये मसल ऐसे जाके ऐसे लगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, जब ऐसे खींचेगा तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाजू खुल जाता है, और जब ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बंद हो जाता है। तो बेसिकली दीज मसल्स वर्क अपोजिट, ये अल्लाह का कानून है कि मसल को कैसे बना दिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करता है, क्योंकि दो किस्म की मूवमेंट होनी है ना ज्यादातर, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक मसल एक मूवमेंट करता है तो दूसरा दूसरी शक्ल में करता है। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, बाजू बंद हो जाता है, बाइसेप रिलैक्स, बाजू खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश इज व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन द जॉइंट, उसको क्या कहते हैं, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो जॉइंट है वो सीधा हो जाता है। इंसर्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एंटागोनिज्म, दैट्स राइट, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। बेसिकली जैसे ये एग्जाम्पल ले लें, उसमें ये जो जॉइंट है ये खुल गया ना, एक्सटेंशन होगी, इसको फ्लेक्शन कहते हैं, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप लेग की बात करें, अगर टांग सीधी कर दें उसको कहेंगे एक्सटेंशन, और इसको जो करता है जो मसल उनके नाम है एक्सटेंसर। और इसी तरह जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें ये देखो ये एंगल कम हो गया ना, नी जॉइंट का ये एंगल कम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन होगी। इसी तरह ये बाइसेप्स रिलैक्सेस, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर,
When biceps contract, which of the following take place? जब biceps contract करते हैं या करता है तो उससे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? Options are insertion pulled for upward, उससे जो insertion है वो ऐसे move करती है क्योंकि ये यहाँ लगा तो ये होता है, या it pulled downward, या triceps contract, या all of the above. What do you think? That's correct. Because ये वाला मसल यहाँ पे अटैच है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये इस बाजू को अपने फोरआर्म को अपने पास कर लेगा, कंट्रैक्ट कर लेगा. So as shown in the picture, when biceps are contracted, forearm is pulled up. Like because उसकी insertion side यहाँ पे है ना. When biceps are relaxed and straight, the forearm is facing down. That's right. ठीक है, बाइसेप और ट्राइसेप ये आपस में अपोजिट एक्शन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आर्थराइटिस? ऑप्शंस आर इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी. व्हाट डू यू थिंक? दैट्स करेक्ट, इज अ इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. So arthritis means inflammation of the joints. It is common in old age and primarily in women. Men में भी हो सकता है लेकिन women में ज़्यादा होता है. जबकि बाकी जो choices वो गलत क्यों हैं? Because B, C and D are causes of osteoporosis. अगर physical activity ना करें, बैठे रहें, और estrogen ये जो hormone होता है female में कम हो जाता है, और protein और C की deficiency की वजह से osteoporosis होता है. So there's a difference between osteoporosis and arthritis. ये question आपको आना है. अब let's talk about the arthritis. Arthritis में basically क्या होते हैं कि ये जो joint हैं ये सूज जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सूजन होगी. Actually अगर उसको detail में देखा जाए तो क्या होता है, अगर ये देखें ये joint को बड़ा करके दिखाया गया, एक bone दूसरी bone के साथ attach है, उनके इर्द गिर्द क्या है, synovial membrane है, दरमियान में fluid होता है, उसको कहते हैं synovial fluid होता है, और साथ में bone के ऊपर एक छोटी सी जो है प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज होती है. तो आर्थराइटिस में बेसिकली ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, साइनोवियल फ्लूड जो है वो भी कम हो जाता है, या उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं जो कि बोन को तबाह करना शुरू कर देते हैं. और इस तरह कार्टिलेज ये भी आपस में इतनी स्मूथ नहीं रहती, इस भी आपस में वियर एंड टीयर का प्रोसेस जारी होता है, जिसके से बोन सूज जाती हैं, तकलीफ होती है और दर्द होती है. ओके, होप यू लाइक इट. सो कीप स्टडिंग, बी स्मार्ट लाइक दैट, एंड दिस इज योर टाइम टू शाइन. इफ यू लाइक इट यू कैन जस्ट हिट लाइक, कमेंट, वॉच माई चैनल. एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यूजली आई गिव जस्ट लाइक लाइव लेक्चर, सिटी कॉलेज शाहदरा कैंपस 1 माच फैक्ट्री जलाल सेंटर, और यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एट कैंपस 2 परफाना गली वाली गली. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.